आज के पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं। पटना हाई कोर्ट से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जहां पे उन्हें असिस्टेंट चाहिए। भाई असिस्टेंट चाहिए तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जो बिहार के कैंडिडेट है उन लोग के लिए तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी लॉन्च किया गया है। इवन अदर स्टेट के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि पटना हाई कोर्ट ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जहां पे असिस्टेंट रिक्रूटमेंट का एग्जाम लॉन्च किया गया है 2023 का, जो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है। जो एग्जाम जो कमेंस किया गया है वो 6 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट है, जो आपका 7 मार्च तक लास्ट देखने को मिलता है। दूसरे में यहां पे एग्जाम प्रीलिम्स का टेंटेटिव डेट दे दिया है, 30 अप्रैल को होने वाला है। वैकेंसी तो 550 वैकेंसी, भाई बहुत अच्छा है 550 वैकेंसी, और साथ में बिहार का है तो यहां पे बढ़ते रहता है पोस्ट जब तक आपका इंटरव्यू मतलब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो। पेमेंट देखने का बात करते हैं तो लेवल 7 के हिसाब से आपका यहाँ पे पेमेंट देखने को मिलता है, मतलब 44 के ऊपर आपको मतलब 45 लगभग पैकेज देखने को मिलता है पर मंथ। हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी कैटेगरी में, तो एलिजिबिलिटी कैटेगरी में आपको हम लोग बात करते हैं एडुकेशन के बारे में, तो एडुकेशन में आपको कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास 6 मंथ का सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के ऊपर। एज लिमिट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 18 से लेके 37 के अंदर। रिलैक्सेशन दिया जाता है जैसे अनरिजर्व मेल फीमेल या फिर ओबीसी, साथ में एससी एसटी कैंडिडेट जो भी हो फिजिकल हैंडीकैप्ड, आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस किस हिसाब से, 4 वे से आपका सिलेक्शन प्रोसेस लिया जाता है। पहला में आपका प्रीलिम्स एग्जाम लिया जाएगा, दूसरा में रिटन टेस्ट है, तीसरा में आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा और लास्ट में इंटरव्यू टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस या फिर इस एग्जाम के एक डिटेल पर्टिकुलरली वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो हम लोग उसके लिए अपने बना देंगे। दूसरा में बात करते हैं सेंटर, आपको सेंटर यहाँ पे पटना भोजपुर नालंदा ये सब जगह पे आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस जो है वो ओबीसी अनरिजर्व के लिए 1200 रुपया दिया गया है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपया, बिहार के कैंडिडेट्स मेल होंगे सॉरी फीमेल होंगे तो 600 रुपया आपको पड़ जाएगा। जैसे आप असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2023 जैसे आप 2023 में ओपन करते हो तो आपको ऐसा फॉर्मेट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, भाई न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आप ऑलरेडी बनाए हुए तो फॉरगेट या फिर पासवर्ड करके या फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड देके लॉग इन कर सकते हैं। तो न्यू जैसे रजिस्ट्रेशन में हम क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना अपना पूरा बेसिक डिटेल्स फिलअप करना है। कैसे करना है, नेम देना है आपको, कन्फर्म नेम करना है, फादर नेम मदर नेम जेंडर क्या है आपका, डोमिसाइल आप बिहार से हो या नहीं, फिर कैटेगरी आपका क्या है, तो पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करना है, फोन नंबर ये सब डिटेल करके आपको सेम सेकंड में जैसे क्लिक करते हो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, वहाँ पे अपना एडुकेशन डिटेल्स फिलअप करना है, बेसिक डिटेल्स डालना है, साथ में अपना पर्सनल डिटेल एडुकेशन डिटेल्स फोटो सिग्नेचर जो आपको डॉक्यूमेंट्स है 10 के मार्कशीट 12 के मार्कशीट डिग्री ग्रेजुएशन वोटर आईडी कार्ड सर्टिफिकेट्स कास्ट सर्टिफिकेट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट सारे सर्टिफिकेट्स को स्कैन करके अपलोड करना है। साथ में यहाँ पे फोटो सिग्नेचर जो होगा वो 50 KB से लेके 100 KB के अंदर सिग्नेचर है, 10 से 20 KB के अंदर सारे जो होंगे वो जीपीजी में होंगे। दूसरा में डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है वो भी आपको यहाँ पे जीपीजी में ही करना है 50 KB से 100 KB के अंदर। दूसरा में बात करते हैं कि जैसे सारे चीज अपलोड हो जाते हैं आपको सबमिट में क्लिक करना है, फाइनल सबमिशन करके आपको पेमेंट करना है, पेमेंट नहीं करेगा तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पेमेंट जैसे ही आपका कम्प्लीट होता है प्रिंट आउट करके आप इसे सेव करके रख, आफ्टर लॉन्ग टाइम जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जाम दे सकते। तो वीडियो यही थी, हमने सारा डिटेल्स आपको, अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अपडेट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।